Hello and welcome back to the space. Team Space today decided to look into the issue of the very bad road condition of a 20-kilometer stretch of a road which runs from Itanagar to Jote. Although the initiation for the construction of the road has been taken up by the PWD department of the Doimukh section, but the truth still remains that the bad road condition is very much affecting the daily lives of the people here. So right now I'm in the Bath village, which can be found right after you cross the Ganga Lake. So let's find out what do the people think about the bad road condition and how is it affecting their daily lives. इसका ये रास्ता के बारे में ऐसे लगता है, इस रास्ता में हम लोग को बहुत तकलीफ लगता है ना, इसलिए तकलीफ लगता है बोलने से। पहले से ऐसे सुनने को आया है कि उसको गवर्नमेंट जो बनाएगा बोलकर, लेकिन बहुत डिले होने का वजह से ना हम लोग आना जाने में ब्रेक पेक सबसे पहला ज़्यादातर ब्रेक पेक जाता है, चला जाते रहता है ना, तो वो अकेला नहीं है। यहाँ पैदल मार के स्टूडेंट बच्चा लोग के लिए ना, जब बारिश का सीज़न हो जाता है, रेनी सीजन हो जाता है, उसी समय में बच्चा लोग आना जाने में बहुत तकलीफ होता है, और हम लोग मामी पापा लोग भी बहुत चिंता लगता है। तो ऐसा वैसा करके और अभी सुनने को मिला है कि 30 मार्च तक उसको कंप्लीट होना है बोल के ना, तो ऐसे उसको सुनकर अच्छा लगता है कि हम लोग भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द उसको बना दीजिए, क्योंकि यहाँ में बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। ये जो उधर में फिल्म इंडस्ट्री यहाँ में है, NIT लोग यहाँ में हो चुका है, तो इसलिए ये जो बहुत मेन इम्पोर्टेंट रास्ता है, तो ना इसलिए उसको मेरा तरफ से भी यही कहना चाहूँगा कि मैंने जितना भी हो सके उसको जल्द से जल्द बना दीजिएगा। मेरा नाम गंगटे कानू है। आप यहाँ का बैठने वाला है? हम जो ये उससे ये जोते शायद का है ना, उधर में बैठता है। अभी ये जो इटानगर का जो रास्ता है 20 किलोमीटर इटानगर टू जोते का, वो बहुत अभी बैड कंडीशन में है, तो ये आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं? ये एक्चुअली ये रास्ता जो बहुत डिले कर रहे हैं ना, उसका वजह से हम लोग को बहुत परेशानी होता है जो बस्ती में रहते हैं ना। हमेशा हम लोग को ये 17-18 किलोमीटर हमेशा गधा गधी जैसे मिलते रहते हैं, तो धूल ये सब हमेशा होते रहते हैं, और इसमें गवर्नमेंट जो है जल्दी से वो करने से बहुत ठीक है। हमें बहुत डिले करके ना बस्ती का आदमी लोग को बहुत वो प्रॉब्लम मिलता है। ऐसे बोला है तो बहुत ठीक है, अगर ऐसे होता है बोलने से ना, जो भी है गवर्नमेंट कुछ स्टेप ले रहा है बोलने से अच्छा बात है। तो हम तो वही सोचते हैं जल्द से जल्द ना, अगर वो लोग बोला है तो करके दिखाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वही है। आपको लगता है कि होगा बोल के रास्ता बनेगा? होगा वो तो हम भी होप करते हैं होने के लिए ना, क्योंकि ये एक्चुअली रास्ता भी बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हमेशा हमें सिर्फ वही बोलते रहते बनाएगा वो करेगा, लेकिन कभी होता नहीं है। रास्ता जो है कि अभी गवर्नमेंट जो स्टेट हाईवे है कि जो बनाने शुरू हो रहे हैं, उस दिन जो बारिश होते समय तब मेंटेनेंस नहीं होने के कारण से बहुत खराब था, चलने बहुत दिक्कत होता था, मैं बहुत स्लिप हो गया ना, बहुत आदमी गिरता भी था। अभी मीन्स रेनी सीजन तो रुक गया, अभी काम को तो स्टार्ट कर रहा है, मीन्स NIT से लेके मीन्स वहाँ में भी कार्पेटिंग हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी ये जगह जो आप लोग स्पॉट है, ये जो थोड़ा खराब है, तो वहाँ से बना के आ रहा है, होप करते हैं जल्दी से जल्द बनेगा बोल के, वहाँ से स्टार्ट हो चुका है। वो जो जुबान दिया वो करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट तो हम लोग देखा गया तो पब्लिक भी देख ही रहे, तो काम तो स्पीड से चल रहा है, लेकिन होप करते हैं कि हम ये जो तकलीफ है अभी तक उसको जल्द से जल्द खत्म कर देगा बोल के, वही होप करते हैं। आपको लगता है कि डेजिग्नेटेड डेट का अंदर में वो लोग काम खत्म कर सकते हैं? अभी तो समय गर्म दिन तो आने वाला है, जो रेनी सीजन तो जो करा रहे जैसे जो टेंडर का मालिक जो जल्द जितना स्पीड कराएगा इतना जल्दी होगा, लेकिन अभी टाइम जो दिया है वो जो होना चाहिए, क्योंकि काम की जिस तरह देखकर काम तो स्पीड से चल रहा होना चाहिए मेरा हो। हम लोग कुछ जानता है एक्सट्रीमली कुछ हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब देखिए जब यहाँ पे ये रास्ता में है इटानगर टू जोटे का रोड, इसमें था कि आपका दो पैकेज था, पैकेज ए और पैकेज बी में था, तो काम एक्चुअली शुरू होना चाहिए था पैकेज ए का पहले शुरू होना चाहिए, जो कि होगा आपका गोपुर तिनाले से लेके ये मोइन बॉक्स था।
जो कि हम लोग कैपिटल कंपनी से आने, लेकिन ऐसा नहीं करके पैकेज बी को पहले शुरू किया है जो कि मोइन से लेके मोइन बॉक्स से लेके आपका जोते तक होता है, तो उसको शुरू किया, चलो ठीक है उसको शुरू भी किया, लेकिन इसको इतना लेट में शुरू किया। अभी तक देखो आप अभी बोलते हैं हमारे यहाँ का जो ये जो है टेंडर का जो मालिक है जो काम कर रहा है इसमें ना जो चंद्रन साहब वो बोलते हैं कि ये मार्च में रोड को कम्प्लीट करके देगा। मेरा तरफ से देख के नहीं लगता वो मार्च तक कम्प्लीट कर सकेगा। मेरा तरफ श्योर है कि ये अभी 2023 हो गया, 2025 तक भी शायद कम्प्लीट नहीं हो पाएगा हमको ऐसा लगता है, क्योंकि काम का अगर आप रफ्तार को देखा जाए बोलने से तो बहुत स्लो है। और अभी भी देख सकता है मेरे सामने वहाँ पे एक कलबत भी है, ये बनाया वाला आपका अभी मान लो आपका ये हो गया कुछ 8-9 मंथ्स हो गया, 8-9 मंथ्स में आपका सिर्फ एक पेज का सिर्फ लेफ्ट साइड का बनाया है और राइट साइड में भी बनाना है, उसको एक्सटेंड करना है उसका, तो 8-9 मंथ्स में आप सोचिए उसको बना के आप इस तरफ भी बना सकते थे। लेकिन अभी देखिए ये भी बनाने वाला जो एक साइड का बनाने वाला जो एक साल ऑलमोस्ट होने वाला है, तो अगर उसको देख आप एक कलबत में अगर आप एक साल को लगाएगा तो सोचिए आप रास्ता बनाने में कितना समय, तो प्रॉब्लम तो हमने ऐसे और भी कितना आया। अभी तो आप देखा जाए तो बोलने तो अब आने वाला फ्यूचर में अंदर में कैपिटल भी एक्सटेंड भी सर होने जा रहा है, क्योंकि अंदर में आपका गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, NIT वगैरह है, फिल्म इंडस्ट्री अभी बन रहा है, तो वहाँ पर भी जो बच्चा लोग जो जाता है वहाँ पे जो स्टूडेंट लोग जाता है पढ़ाई लिखाई करने वो लोग कितना तकलीफ मरता है। यहाँ पे आपका एक घंटा का रास्ता अभी जब से रास्ता कटिंग हो रहा है ऐसे, क्योंकि मतलब कि आप ठीक है रास्ता कटिंग हो रहा है लेकिन एटलीस्ट थोड़ा गड्ढा गुड्ढी को थोड़ा बराद होता है कि स्मूथली गाड़ी रनिंग होने के, लेकिन ऐसे नहीं है बेचारा यहाँ का एक घंटा रास्ता का वो लोग 2-3 घंटा लगता है स्टूडेंट, तो कभी कभार आपका पोस्ट टूट जाता है। और अभी भी देखिए कल भी हम लोग या PHD पर हम लोग साथ में जाके हम पाइप बनाए, पिछले 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था मेरा घर में भी, हम लोग ये बात बस्ती में क्या हुआ कि पानी को तोड़ दिया अंदर से ना, और बताया भी नहीं टूटाया बोल के, 2 दिन तक जब पानी नहीं आया जब हम लोग छानबीन किया तो वो मट्टी के अंदर मतलब कि वो गाड़ी तिपर जाने की वजह से टूट के रखा था, तो उसको भी हम लोग कल जैसे भी बुला के करने देने का उसका हाँ वही अभी तो वही एक मैं कहना चाहूँगा या मैं जो काम कर रहा हूँ देखिए अभी मानसून सीजन आने वाला है इतना तक बाद मानसून सीजन ये आपका फरवरी का लास्ट से शुरू हो ही जाए, तो अभी रास्ता तो आप नया कटिंग जस्ट नया करके रखा है पिछले सिर्फ एक अभी 1-2 महीने पहले शुरू किया है, तो उसको भी आप देखिए कटिंग तो आपका चलो कम्प्लीट हो गया लेकिन रास्ता को आप एटलीस्ट थोड़ा अभी अभी का समय में गर्म सीजन आने का समय में एटलीस्ट थोड़ा सेंट गेवर्स तो थोड़ा बिछा देती हूँ, क्योंकि अभी बाद में जब बारिश गिरेगा कीचड़ होगा आपका लैंडस्लाइड होगा बहुत ऐसे प्रॉब्लम होगा, ऐसे करते करते अभी देखो गाड़ी बेचारा गाड़ी घोड़ा पकड़ने वाले को कितना तकलीफ होते रहा, वो लोग जो महीना में हम खुद एक छोटा सा गाड़ी पकड़ता है, अरे हम एक महीना में हम 3 तो मेरा अपना आगे तरफ का राइट आर्म को मैं 3 बार चेंज किया, अभी रास्ता खराब कर दिया, अब सोचिए तो कितना इंसान लोगों का ऐसे हो रहा, करोड़ करोड़ का लॉस हो रहा है। जो रास्ता जो हम लोग का DC सर हैं राहुल पटेल सर, तो उसने बोला है कि 31st तक फर्स्ट ईयर ना पूरा बना देगा बोला है, तो अभी देखे अभी जनवरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है तो अभी तक कुछ भी मतलब प्रोग्रेस नहीं, तो ये जो यहाँ से मतलब डायरेक्ट गोपुर तक रास्ता है डायरेक्ट नहीं होता, अभी वहाँ से आने के लिए जो स्टूडेंट है हम लोग का जो भाई बहन है जो पढ़ता है वहाँ में, तो यहाँ से ले जाने के लिए भी बहुत तकलीफ होता है, बच्चा लोग को हमेशा ये लॉन्ग कट से ले जाना पड़ता है, शॉर्ट कट से नहीं जा पाता, तो यहाँ से जाने से क्या होता है कीचड़ है धूली है तो बच्चा को ऑब्वियसली कहीं गिर जाने से वापस लेके आना पड़ता है, तो इसलिए वो मतलब अभी जो प्रोग्रेस चल रहा है ना प्रोग्रेस जितना मतलब वो लोग को ऐसे देख रहे हैं तो वो प्रोग्रेस के हिसाब से तो नहीं बन पाएगा ऐसे लग रहा है, मतलब ये 31st तक नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर सर जो जल्दी आके ना जो DC सर है वो जल्दी आके इंस्पेक्ट करके जल्दी जल्दी उसका वर्कर्स को बोलता है बोलते तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो लोग भी उसका हिसाब से मेंटेन करेगा, तो हमको लग रहा है कि डिले हो रहा है इसे देखने जाने डिले हो रहा है, क्योंकि हम हमेशा यहाँ से गुजरता है तो कभी कभी जाना ही पड़ता है यहाँ से, तो इसलिए थोड़ा तकलीफ होता है, वही तकलीफ है बारिश गिरने से तो और तकलीफ होता है हमें, डेंजरस होता है, हाँ बहुत डेंजरस होता है, लैंडस्लाइडिंग होकर 2-3 दिन भी रोड बंद होता है, तो ऐसे करके थोड़ा तकलीफ होता है हमें, अब हमेशा आना जाना करता है तो उसमें आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? प्रॉब्लम तो अभी प्लस पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, अभी शायद थोड़ा ठीक है क्योंकि जब से रोड कटिंग हुआ है ना तो जहाँ में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है तो वहाँ में वो लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे डंपिंग करके तो उसमें थोड़ा ठीक ही है अभी के लिए, तो फिर अभी लेकिन जब रेनी सीजन आएगा तो बहुत तकलीफ होता है हमें प्रॉब्लम, और ये आगे में फ्लड भी आ जाता है बहुत सारा, क्योंकि ये ऊपर में आठ वो कटिंग करता है तो उसके कारण से पूरा फ्लड आके हम लोग के घर में पूरा पानी आ जाता है, ज़्यादा हैवी फ्लड होके
तो ऐसे प्रॉब्लम होती है, उसके कारण से रास्ता भी खराब होकर ब्लॉक होकर बंद हो जाता है. As we have seen and heard by the testimonies of the people of the Bath village, some people are happy that the initiation for the construction of the road is finally taking place, while some people are skeptical if the road will, the construction of the road will finally happen. All we can depend upon is on the promise made by the PWD department that the first layer, the GBF layer of the road will be made by the 31st of this March. Will the construction of the Itanagar to Jyoti road will finally take place? Only time will tell. Thank you so much for watching Space. This is Siyamba Chese.